हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, हाजिर हूं आप सबके सामने एक और नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन लेके। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मेरे को काफ़ी सारे कमेंट भी मिल रहे थे आप भाइयों के, पूछ रहे थे कि प्रदीप भाई, अगर हमारा जो आधार कार्ड है उसके साथ हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, तो क्या हम ऑनलाइन पीएफ एडवांस या फिर फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। काफ़ी सारे भाइयों को तो जो है मैंने आंसर दे दिया था, फिर मैंने सोचा एक वीडियो जो है बना के मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं पूरी जानकारी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, तो अगर आप इस तरह की रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं, मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका पीएफ कट रहा है, अगर आप ऑनलाइन क्लेम की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, यानी कि ऑनलाइन घर बैठे इंटरनेट से एडवांस पीएफ हो या फिर फुल एंड फाइनल पीएफ निकालने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं, तो इसके लिए जब तक आपका जो आधार कार्ड रहता है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा, तब तक आप जो है ऑनलाइन क्लेम फैसिलिटी जो है नहीं ले सकते। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप चाहे एडवांस पीएफ के लिए अप्लाई करें या फिर आप फुल एंड फाइनल पीएफ के लिए अप्लाई करें, जब आप लास्ट में फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, तो जो आपका आधार कार्ड रहता है उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी आता है, और वो ओटीपी जब तक आप मेंशन करके यहाँ पर सबमिट नहीं करते, तब तक आपका जो क्लेम फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ आपका ही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी मोबाइल नंबर अगर लिंक रहेगा तो भी आप ऑनलाइन क्लेम की फैसिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो जो आधार कार्ड आपका है उसके साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, जैसे कि आपका पिताजी का मोबाइल नंबर लिंक है या फिर आपकी मम्मी का, आपके भाई बहन का, जिसका भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा, उस पर ओटीपी आएगा और आप उनसे ओटीपी पूछ के यहाँ पे सबमिट कर देंगे क्लेम, तो क्लेम जो है सबमिट हो जाएगा। बट आधार कार्ड के साथ जो है मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है, मस्ट है ऑनलाइन क्लेम फैसिलिटी लेने के लिए। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो है मेरे आधार कार्ड के साथ तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बट मेरा जो UAN अकाउंट है उस पर मैंने अपना मोबाइल नंबर जो है अपडेट कर रखा है, वो मैंने लिंक कर रखा है। तो देखिए, अगर आपका जो UAN नंबर है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर ऐड है, लिंक है, तो उस वो किस लिए होता है कि आपको EPFO की तरफ से जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि आपका PF का बैलेंस जो है जमा हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप जो है पासवर्ड भूल गए हैं UAN का, तो आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए जो है आपका जो UAN नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहता है वो काम में आता है। बट आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर OTP जाएगा, जब तक वो लिंक नहीं रहेगा आप ऑनलाइन क्लेम की फैसिलिटी नहीं ले सकते। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड जो है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है। देखिए, सिंपल सही बताऊँ आपको, आप अपना आधार कार्ड जो है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए, आधार कार्ड जो सेंटर रहते हैं वहाँ पर जाइए और अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ये पीएफ का पैसा ऑनलाइन क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ रही है, बट आगे जो है कभी भी जब ऑनलाइन जो फैसिलिटी है वो आप लेंगे तो आपको आगे भी किसी और चीज़ में, जैसे कि बैंक है या फिर राशन कार्ड में, कहीं पर भी आप जाएंगे तो जब तक आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर OTP जो आता है, जब तक वो OTP बताकर या फिर डालकर वैलिडेट OTP नहीं करेंगे, तब तक आप काफ़ी सारी जो ऑनलाइन फैसिलिटी है उसका लाभ नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं आपको सिंपल यही बोल रहा हूँ कि आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सिंपल आप लिंक करवा लीजिए। दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है, अगर आप ऑनलाइन क्लेम की फैसिलिटी नहीं लेना चाहते PF की, तो आप EPFO ऑफिस में जाइए और मैनुअली वहाँ पे फॉर्म 19 और 10 सी भरिए और वो जो है भर के EPFO ऑफिस में जमा करा दीजिए, फिर आप अपना PF निकाल सकते हैं। बट मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, यही कहूँगा कि अगर आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आधार कार्ड सेंटर जाइए और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है ऐड लिंक करा लीजिए, अभी नहीं आगे भी जो है आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ, काफ़ी सारे कॉमेंट भी मिल रहे थे। आशा करता हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।